सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो फाइनली गिव अवे 2.0 हैव अराइव्ड। तो फाइनली यार अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे पूरे, ठीक है, एक 10 दिन पहले हो गए थे मेरे ख्याल से, 10-15 दिन पहले हो गए थे। तो उस वक्त मैंने बोला था यार कि हम एक गिव अवे करेंगे यार, तो फाइनली हेयर इट इज़, जो आप गिव अवे का जिसका मैंने अनाउंसमेंट की थी तब। तो यार बेसिकली इस गिव अवे में आप सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, प्राइजेस क्या होने वाले थे। और प्राइजेस यार आपके होने वाले अमेजॉन वाउचर्स, ठीक है। इनके सार अगर, क्योंकि मैंने जो पोल कराया था मैंने उसमें ऑप्शन दिया था कैश प्राइजेस का और अपना क्या कहते हैं बुक्स का, तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला भैया कैश प्राइज, और बहुतों ने अच्छी खासी अमाउंट में बोला भैया बुक्स, ठीक है। तो फाइनली यार मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों को कंबाइन करके अमेजॉन वाउचर्स ले आते हैं, क्योंकि यार अमेजॉन वाउचर से आप आराम से बुक्स खरीद सकते हो, ठीक है, और वो एक तरह से आपका कैश रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर यार इनकेस अगर आपको कोई बुक भी चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए बुक भी अरेंज करवा दूंगा, इनकेस अगर आप विनर होते हो तो, ठीक है। अभी ये प्राइजेस क्या होने वाले हैं, देखो प्राइजेस रैंक वन को मिलेगा क्या कहते हैं 2,000 का अमेजॉन वाउचर, रैंक टू को मिलेगा 1,500 का, रैंक थ्री को मिलेगा यार आपका 1,000 का वाउचर, और रैंक फोर से लेके रैंक 10 आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा यार 500 का अमेजॉन वाउचर, ठीक है। इनकेस यार अगर आपको चाहिए नहीं भाई मुझे भैया बुक ही चाहिए तो मुझे आप बता देना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी रैंक फिफ्थ आई है तो आपकी अराउंड 500 का अमेजॉन वाउचर होगा, तो इनकेस अगर 500 के आसपास की कोई बुक होगी तो आप वो मुझे बता सकते हो और मैं आपके लिए वो ऑर्डर करवा दूंगा, है ना। क्योंकि यार बुक्स भी बहुत सारी हो जाती हैं, हो सके किसी बंदे को किसी और बुक की ज़रूरत हो, किसी को किसी बुक की ज़रूरत हो, इसलिए मैंने यार अमेजॉन वाला ऑप्शन बेस्ट समझा, ठीक है। तो ये आपके तो प्राइजेस हो गए। अब यार भैया क्विज कितने बजे से स्टार्ट होगी, तो यार क्विज होगी आज रात के 8 बजे से स्टार्ट, तो मेक श्योर यार सब लोग आ जाना क्विज में पार्टिसिपेट करने। उसमें यार देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, सिलेबस में आपको ऑलरेडी कल ही बता चुका था, सिलेबस यार आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन आसानी होने वाले हैं, जेई मेंस और जेई मेंस से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मतलब जेई मेंस और मतलब जेई मेंस लेवल के ही होने वाले क्वेश्चन, उससे थोड़े आसान भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मेक श्योर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं है तो प्लीज मेक पार्टिसिपेट करना, क्योंकि यार एक स्पेशल प्राइस भी है जो सबके लिए होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर सब लोग पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यार भैया हमें टाइम कितना मिलेगा क्विज के लिए, ठीक है। तो यार क्विज के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट, और क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 30 ही क्वेश्चन होने वाले हैं ना, थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन, इसलिए हमने टाइम थोड़ा कम रखा है ताकि यार आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके, है ना। तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, तो क्या भैया हमें 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलेंगे, नहीं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, एक बार वो क्वेश्चन 1 मिनट बीत जाएगा तो क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग स्टार्टिंग से जुड़ना, क्योंकि एक लाइव क्विज होने वाली है ना, तो 1 मिनट ही मिलेगा आपको पूरा क्वेश्चन देखने के लिए, जैसे ही वो 1 मिनट खत्म होते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर आप पीछे नहीं जा सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर यार 8 बजे तक आ ही जाना, उससे लेट आओगे मतलब अलार्म लगा लेना अपना 7:55 तक का, 7:50 तक का, और आ जाना 8 बजे तक, वरना यार अगर लेट हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, और अगर वो मिस हो जाते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे थोड़ा, है ना। तो ट्राई करना यार, थोड़ा हम अलार्म लगा के बैठ जाए अपना 7:50 तक का, ठीक है। अब यार पूछोगे भैया क्विज में पार्टिसिपेट कैसे करना है ना, तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के यार मैंने इंस्ट्रक्शंस लास्ट टाइम आपको जो बताए थे वही सेम है, तो मैं आपको लास्ट टाइम वीडियो वाली क्लिप चला के बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यार देखो मैं पहले आपको क्लियर बता देता हूँ, क्विज यार आपकी होने वाली है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अब यार ये मत समझना कि अनअकैडमी ने इस क्विज को स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्विज अनअकैडमी नहीं स्पॉन्सर कर रखी। तो सबसे पहले यार आपको करना ये है कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद एक नया अकाउंट बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यार आपको करना ये है कि आपको IIT JEE सेक्शन में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है। अब यार ये मत समझना कि आपको प्लस पे क्लिक करना है तो मतलब केवल प्लस वाले बंदे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्विज में, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्विज इररिस्पेक्टिव ऑफ यार कि उसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यार आपको जाना है प्लस सेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद यार आपको जो अगली चीज करनी है वो करनी है टेस्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यार आपके पास ऑप्शन आएगा लाइव क्विज का, ठीक है, तो उसके बाद आपको लाइव क्विज पर क्लिक करना है। अब यार देखो इसके बाद थोड़ा सा एक चीज है ध्यान रखना कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ज्वाइन क्विज करने के, है ना, एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिलेगा, तो ऊपर वाले पे प्लीज मत क्लिक करना, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हो तो आपको रैंडमली अनअकैडमी किसी भी क्विज में डाल देता है, ठीक है। तो आपको नीचे वाले ज्वाइन क्विज में क्लिक करना है, क्योंकि यार उसके बाद ही आपसे कोड पूछा जाएगा, जो कि यार मैं आपको अराउंड 7:30 तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब यार वो कोड आपको कहां कहां मिल जाएगा, तो यार वो कोड आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है, हर जगह आपको वो कोड मिल जाएगा। आपको उसी कोड को यूज करके क्विज में ज्वाइन करना है, तभी आप जो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज यार रैंडमली आप किसी क्विज में चले जाओगे अगर आपने ऊपर वाले ज्वाइन क्विज पे क्लिक कर दिया, तो वो गलती मत करना, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले अकाउंट बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद IIT JEE सेक्शन में जाना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यार आपको क्लिक करना है लाइव क्विज पे, ठीक है। लाइव क्विज में यार नीचे वाले ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना, ऊपर वाले ज्वाइन क्विज पे मत क्लिक करना, और फिर उसके बाद यार जो कोड मैं शेयर करूंगा अराउंड 7:30 PM
पे वो आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। अब उस कोड को जैसे ही आप डालोगे तो आप जो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज क्विज है आप उसमें पार्टिसिपेट कर लोगे। अब यार देखो ये तो हो गया आपका पार्टिसिपेशन, जब आपकी क्विज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यार अगर आप टॉप 10 में हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब यार जो लीडर बोर्ड है वो मेरे को भी दिखाएगा आपको भी दिखाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी रैंक का स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और फिर यार आपको करना यह है कि मेरे मेल मैंने नीचे डाल रखी, वहाँ पे आपको मुझे मेल कर देना है कि भैया आई एम द विनर, ठीक है, आप मुझे यार प्राइज दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उससे क्रॉस वेरीफाई करूँगा अपने एंड से, अगर आप वही बंदे होते हो तो मैं आपको यार एनी मीडियम जिस मीडियम से आप चाहो उसके थ्रू मैं आपको आपका रिवॉर्ड दे दूंगा, ठीक है। जो भी आपका कैश रिवॉर्ड आप जीते हो उसके हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो होप सो यार आपको सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए हों, अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यार कि मैं आपको जो कोड है वो एक शॉर्ट बना के अराउंड 7 बजे के आसपास बता दूंगा, है ना। तो कोड आपको पता चल जाएगा, कोड की चिंता मत करो, ठीक है। बस अलार्म लगा के अपना बैठना आज, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे ना भैया कि हमें तो पता ही नहीं चला कब क्विज हो गई। तो प्लीज़ मेक श्योर अलार्म लगा के बैठना अपना 7:50, 7:55 तक का, और आना यार सब लोग क्विज में, क्योंकि यार एक स्पेशल प्राइज है जो सबके लिए होने वाला है जो भी बंदा पार्टिसिपेट करेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर सब लोग आना क्विज में पार्टिसिपेट करना। सो फिर मिलते हैं यार क्विज में, आराम से आना अपना, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जितनी प्रिपरेशन है थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, क्लास 11th का अभी टाइम है, और आराम से बहुतों का आज के VPY है तो उनकी तो प्रिपरेशन और अच्छी हो रखी होगी, तो वो लोग भी आके दे सकते हैं, ठीक है।